ऑल राइट गाइस, आई एम प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, देख सकते हैं ये है क्रोम में मैं हूँ और क्रोम का अपडेट करने के लिए आया है। तो चलिए अपडेट करके देखते हैं। अपडेट क्रोम पे क्लिक किया एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे है जो क्रोम को अपडेट करने के लिए दिया ही नहीं गया है, सीधे ओपन बोल रहा है क्रोम को, यानी कि गाइस अपडेट ये क्रोम हम नहीं कर पाए यहाँ से, देख सकते हैं। और गाइस ये देखें हम ये कहाँ पर क्रोम ले जा रहा है अपडेटिंग के लिए। तो गाइस देख सकते हैं ये गेट ऐप्स में हम आ जाते हैं क्रोम को अपडेट करने के लिए। और गेट ऐप्स जो कि Xiaomi टेक्नोलॉजी से कुछ लिस्टेड है वो है गेट ऐप्स, तो उसमें हमें क्रोम को अपडेट करने के लिए आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है ये। तो गाइस हम क्रोम को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो चलिए गाइस हम लोग प्ले स्टोर से क्रोम को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं प्ले स्टोर है और इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे अपडेट करने के लिए क्रोम को, तो अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो गाइज आप देख पाएंगे यहाँ पे है जो हमारा गूगल क्रोम है वो डाउनलोडिंग पे लग गया है और डाउनलोड होने लगा है। खैर देखते हैं कितना देर में ये होता है डाउनलोड। तो गाइज देख सकते हैं 43% यहाँ पे हो चुका है। तो गाइज देखा आपने यहाँ पे अभी क्रोम अपडेट नहीं हो रहा था, आप जब यहाँ पे क्लिक करते थे तो रिडायरेक्ट कर देता था आपको यहाँ पे गेट ऐप्स में जो कि Xiaomi का है, आपके फ़ोन में मिल जाता है, पोको हो, Xiaomi का फ़ोन हो, रेडमी हो, तो उसमें आपका अलग ही मिल जाता है एक ऐप डाउनलोड ये सब करने के लिए, इंस्टॉल ये सब करने के लिए। तो गाइस इसमें क्रोम का इतना ही लेटेस्ट वर्जन था इसलिए इसमें आप अपडेट क्रोम को नहीं कर पाएँ। और जब आप क्रोम पे अपडेट पे क्लिक करते थे तो वो आपको इस ऐप में रिडायरेक्ट कर देता था। तो आप गाइस प्ले स्टोर पे आके सिंपली आप क्रोम को अपडेट इस तरीके से कर पाएंगे ये। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम है जो अपडेट हो चुका है फुल्ली यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे। आप अब जाके हम क्रोम में देखते हैं क्या यहाँ पे फिर से हमें वही वाला पॉपअप दिख रहा है क्रोम अपडेट का। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम अपडेट के लिए जो था वो अपडेट वर्जन वो हट गया है, यानी कि गाइस हमारा जो क्रोम है वो फुल्ली यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप क्रोम को अपडेट कर पाएंगे। क्रोम ही क्या, कोई भी एप्लीकेशन हो इस तरीके से इजीली अपडेट हो जाएगा। क्रोम, यूट्यूब, YTA स्टूडियो, जीमेल, जीबोर्ड, मैप्स, फाइल्स बाय गूगल, गूगल एड्स और भी गूगल कहीं फोटोज, फोन, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कैलेंडर, ये सब का अपडेट सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर जो कि एक ऐप स्टोर ही है इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप अदर ऐप स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाते हैं और उसमें देखते हैं कि अपडेट अवेलेबल नहीं है तो आप उस ऐप स्टोर को क्लोज कर दीजिए और फिर प्ले स्टोर में आके अपडेट कर लीजिए। तो इस वीडियो अगर सच में काम का था तो वीडियो को आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, खैर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए अच्छा रहे और मेरे लिए भी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।